दिल्ली लड़ेंगे अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती तो हमने मना कब किया? योगेंद्र सिंह ने कब मना किया और मैंने कब मना किया? मोदी तेरे से बैर नहीं दिया तेरी खैर नहीं। तेवर नरम हो ही नहीं है आज भी वो के वो तेवर है। भाजपा के जो प्रत्याशी है विश्वरासी है मेवाड़, उनका कोई फोन आया, उनसे कोई बातचीत हुई? कल का जो बयान था डॉक्टर सीपी जोशी जी का, वो भी अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ ऐसा बयान नहीं दे तो फिर मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये भी एक कंफ्यूजन है, दोनों में से कौन लड़ेगा? ये हमारे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे यार, कौन कर लड़ेगा? ये काला लड़ेगा तो मेरा मुंह से ना उनका नाम अच्छा नहीं लगेगा और मैं क्या बोलूंगा जो भी अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में कई सारी पार्टियां और भी है, शव यात्रा भी निकली गई, राजसमंद सांसद दिया कुमारी का पुतला जलाया जा रहा है, तो वो मान भी रहे हैं और नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। पुतला जला मान ने 8-8 बार शीश दिया, हो सकता है 9वीं बार भी शीश देने का मौका मिले। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो शीश गिनाने पड़ेंगे। 5 करोड़ रुपए का आपको ऑफर दिया, वो ठुकरा दिया, अब आपको लेकर अलग चर्चाएं चल रही है। ये बिच्छू जितने पैदा किए ना, ये सांसद महोदय क्या बिच्छू पैदा किए हुए? उन्होंने नादवारा विधानसभा को और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बहुत गलत है। आपने कहा हम वो उनमें से नहीं है जो पार्टी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करें। प्योर सनातनी है सर, हम कोई आए गए नहीं है। ये जो पार्टी में कुछ लोग जो बाहर से आकर यहाँ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से दूर रखा जाए, तो ये कौन है? हर बार जब मैं नाम सुनता हूँ तो आप लगातार देवगढ़ की तरफ ज्यादा जाते हैं। बड़े सज्जन आदमी है कल्याण सिंह जी, कभी किसी से बिके नहीं थे, ना उनकी औलाद किसी से बिकेगी। राजसमंद सांसद लगातार आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है, चुनाव कौन जीतने वाला? हक मांगना कोई गुनाह थोड़ी है साहब, बिना मांगे तो माँ भी नहीं पुरुषती है। रेल मंगरा में हिंदुस्तान जिंक है, अब कई कार्यकर्ताओं की आशा है कि हमारा बच्चा लगे या हमारे गांव के जो पब्लिक है उनका बच्चा लगे। बोर्ड की चोट भरी होती है। लक्ष्मण सिंह जी कितना इस चोट को देने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि अब सब दावेदार उस खेमे में चले गए हैं, तो आप दोनों को लग रहा हो कि हम अकेले पड़ गए? तीनों पंचायत समिति में ये जयचंद दखलअंदाजी नहीं करें। छाती पे मूंग दलने वाला और याद आ गया, आपने कहा जयचंद लगे हुए, कौन जयचंद है, कहाँ इशारा कर रहे हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के कमल है, देखो आप। उसमें आपने जाते जाते एक धमकी टाइप कुछ बात कही कि राजसमंद सांसद अगर यहाँ आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से आए। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ कोठारिया, नाथद्वारा की राजनीति का जो एक अहम क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र से काफ़ी चीज़ें चलती है, मगर आज यहाँ एक विरोध एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। तेवर थोड़े तल्ख हैं और ये तमाम चीज़ें चल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने से अंदर खाने से। टिकट वितरण के बाद से ही एक नाराज़गी का दौर भी साथ साथ चल रहा है और उस नाराज़गी के जो अगुवाई कर रहे हैं, जो सबसे आगे जो चेहरे खड़े हैं, उसमें एक होते हैं योगेंद्र सिंह, दूसरे होते हैं लक्ष्मण सिंह झाला। उन्होंने आज एक यहाँ बैठक बुलाई है, काफ़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया है और कुछ फैसले लिए हैं, वो बताने की कोशिश करूँगा। आज मैं सुन रहा था आप दोनों की बातें, थोड़े से ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों के बाद तेवर थोड़े से नरम लगे हैं। तेवर नरम हो ही नहीं है आज भी वो के वो तेवर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है जी। और संगठन से ऊपर तो हम है नहीं, संगठन के ऊपर से कोई भी नहीं हो सकता। आज आदमी चेहरा आता है और चला जाता है, हमारी मांग थी, हम दोनों प्रत्याशी थे, हमने मेहनत की, तो आलाकमान हमारी बात सुने, पैनल में नाम गए, सब कुछ गया। अब पार्टी ने जो ऊपर जो कमेटी के अंदर जो बैठे हुए थे उन्होंने क्या फैसला लिया ये तो वही जाने। अब जैसे आज कल का जो बयान था डॉक्टर सीपी जोशी जी का, वो भी अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ ऐसा बयान नहीं दे तो फिर मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कुल मिला के जो प्रत्याशी आप आया है, आप उनके नाम पर अब सहमत होते दिख रहे हैं मेरे को आज? सहमत तो हमारी जो मांग है वो अगर मान लेंगे तो बिल्कुल सहमत। मुख्य रूप से दो मांगे मैंने सुनी है, आपने भी कुछ अलग बातें कही, आपने जो दो मांगे कही उसमें ये कहा है कि एक तो जो हमारा क्षेत्र है उसमें रेल मगरा का जो जिम्मेदारी है वो आपको दी जाए, और साथ ही आपने ये भी कहा है कि ये जो पार्टी में कुछ लोग जो बाहर से आकर यहाँ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से दूर रखा जाए, तो ये कौन है? हर बार जब मैं नाम सुनता हूँ तो आप लगातार देवगढ़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। देवगढ़ में कुलदीप सिंह ताल है जी, और कुमलगढ़ में तो आप पता ही नहीं है आपको जी, आपको पता है जो पूरे राजसमंद जिले की ऐसी तैसी कर रखी, ठीक है, और मेरा मुंह से ना उनका नाम अच्छा नहीं लगेगा और मैं क्या बोलूँगा जो भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप वो चंपी कर करके आज उन्होंने नादवारा विधानसभा को और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बहुत गलत किए। नहीं तो अब ऐसे में आपने कहा है कि मुझे अगर रेल मगरा की जिम्मेदारी दे दी जाए, देलवाड़ा की जिम्मेदारी लक्ष्मण सिंह झाला को दे दी जाए, तो फिर हम इन चीज़ों पर विचार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये फैसला कैसे लिया आपने? अब यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे जी, उनका काम तो करना पड़ेगा। आज रेल मंगरा में हिंदुस्तान जिंक है,
अब कई कार्यकर्ताओं के ऐसा है कि हमारा बच्चा लगे या हमारे गांव के जो पब्लिक है उनका बच्चा लगे, उनके काम कराने के लिए कोई ना कोई तो आदमी चाहिए। विकल्प तो आपने रखे हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जब कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद एक शव यात्रा भी निकली गई, राजसमंद सांसद दिया कुमारी का पुतला जलाया जा रहा है, तो वो मान भी रहे हैं और नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। वो तो कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजसमंद सांसद तो लगातार आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है। नहीं, मेरी उनको पता है और वो यहाँ क्षेत्र में रहे हुए हैं, उनको जो भी डिसीजन लेना था सोच समझ के लेना था। एक आपने बीच में एक बात कही थी कि लोग आए थे 5 करोड़ रुपए का आपको ऑफर दिया, वो ठुकरा दिया, अब आपको लेकर अलग चर्चाएं चल रही है। बिल्कुल दिया था मेरे को, बिल्कुल ऑफर दिया था मेरे को, और अपनी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया था कि आप पीछे हो जाओ हमें टिकट मिल जाएगा, लेकिन मैं जिस पिता का औलाद हूँ मैं, कल्याण सिंह जी का ही, कल्याण सिंह जी कभी किसी से बिके नहीं थे, ना उनकी औलाद किसी से बिकेगी। मेरे साथ इस नादवारा विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि अब सब दावेदार उस खेमे में चले गए हैं, तो आप दोनों को लग रहा हो कि हम अकेले पड़ गए? आज जैसे आपने अभी ये जो सवाल किया है, मैं आपको बताऊँ, विगत जो 7-8 साल से योगेंद्र सिंह अकेले ही चल रहा था, उनके छाती पे पांव रख के चल रहा था, छाती पे मूंग दलने वाला, और याद आ गया आपने कहा जयचंद लगे हुए, कौन जयचंद है, कहाँ इशारा कर रहे हैं? अब एक नाम तो लेना उचित नहीं होगा कि नादोरा में जो जयचंद हैं वो समझ गए अपने आप में कि मैंने किन, इशारों में हो रही है। समझ गए वो जयचंद, और आप 2-3 दिन बाद आप देख लेना, अगर आलाकमान हमारी बात मान लेगा तो वो जयचंद उनके साथ नजर भी नहीं आएंगे। लक्ष्मण सिंह जी से बात करूँ, उससे पहले आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि आलाकमान आपकी बात मान लेता है, आप कहीं अब आज आधे अधूरे सहमत हो गए, मुझे लगता है आगे आगे चीज़ें सही हो जाएगी, फिर यहाँ परिणाम क्या रहने वाला है? पार्टी का कार्य काम करेंगे हम, चुनाव कौन जीतने वाला है वो तो पहले आलाकमान हमारी बात तो माने। थोड़ी और बात करूंगा उससे पहले, लक्ष्मण सिंह जी आज, हालांकि 3-4 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें आपके तेवर बड़े तल्ख थे, बड़े तीखे तेवर थे, आज ऐसा लगा कि सहमति के रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि भाई किसी तरह से मामला सेटल हो जाए। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तेवर आज भी वो हैं, कल भी वो थे। अभी कार्यकर्ताओं की अगर आपने रिकॉर्ड किया हो सही ढंग से, तो कार्यकर्ताओं के तेवर भी वो हैं, तेवर में कोई बदलाव नहीं है। हमने ये कहा है कि खुदा न खास्ता कल कार्यकर्ता ने कहा कि भाई ज्वाला साहब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो प्योर सनातनी है साहब, हम कोई आयोगे नहीं है, हम कोई जयचंदों की तरह कांग्रेस छोड़ के वापस बीजेपी में आकर चमचागिरी नहीं कर रहे, हम तो ओरिजिनल वोट बैंक किसके पास है ये पूरा नादवारा जानता है। आपने अभी योगेंद्र सिंह जी को पूछा था कि कई दावेदार थे शामिल हो गए, मुझे एक चीज़ आपको पूछने वाला भी था कि सारे दावेदार एक तरफ हो गए, आप दोनों एक तरफ अकेले, आपके पहले उस वाली बात का जवाब दे दूँ कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तेवर वही है, प्रदेश नेतृत्व को सीधा बोला हमने, कहा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और हमें कोई बात नहीं करनी, हमारा घर हमें थोड़ी निकालता है क्या, और कई कई हिंदुस्तान में कई सारी पार्टियां और भी हैं, लेकिन हमारे अंदर जो खून है वो सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी का खून है। तो कार्यकर्ता ने कहा भाई आप अपनी बात रखो, आप क्या चाहते हो, हमने कार्यकर्ताओं को पूछा, तो कार्यकर्ताओं ने कहा प्रदेश नेतृत्व में आप दोनों भाइयों को जगह मिले, आपकी शर्त माने, तीनों पंचायत समिति में ये जयचंद दखलअंदाजी नहीं करें, ये बात हमने शर्त रखी है, हमने माना नहीं है, आप इसको करो, हमारा तेवर कम, तेवर तो आज भी वही थे कल भी वही है। नहीं, पहले बात थी कि बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे, और अब हो गई कि ये शर्तें मान ली जाए तो हम विचार करेंगे। सर हमने तो अभी भी कहा है निर्दलीय लड़ेंगे, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती तो हमने मना कब किया, योगेंद्र सिंह ने कब मना किया और मैंने कब मना किया? एक अगर नहीं मानी जाएगी तो हम दोनों में से एक चुनाव लड़ेगा। एक चीज़ और निकल के आई है कि आपने जो अपना उद्बोधन दे रहे थे मैंने पूरा सुना, लास्ट में आपने जाते जाते एक धमकी टाइप कुछ बात कही कि राजसमंद सांसद अगर यहाँ आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से आए। देखिए मेरा आपसे एक निवेदन है, दिया कुमारी जी को लिए आप बोलो राजसमंद सांसद के लिए आपने कहा है, आपने कहा सांसद के लिए धमकी दी, ये बिच्छू जितने पैदा किए ना ये सांसद महोदय के बिच्छू पैदा किए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता में आक्रोश है, इस आक्रोश को देखते हुए सांसद महोदय को मंच पे आना चाहिए, ये बोला है। नहीं पर अब आपने सहमति के रास्ते भी कहा, आपने कहा कि ठीक है चलो बातचीत करो, 2 दिन का समय भी दे दिया, और उसके बावजूद भी पुतले जलाए जा रहे हैं, अरुण सिंह जी का पुतला जलाया जा रहा है, दिया कुमारी जी का पुतला जलाया जा रहा है। देखिए कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, आप मेरा एक वीडियो, हम दोनों का एक फोटो बता देना कि हम दोनों वहाँ खड़े थे। कार्यकर्ता तो आपके ही, भारतीय जनता पार्टी के हैं जी सर, आपका कुछ नहीं होता है, सब भारतीय जनता पार्टी के कमल हैं, देखो आप। एक विषय और निकल कर आया, आपने कहा हम वो उनमें से नहीं है जो पार्टी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करें,
वो पूरा प्रकरण वो भी कैसे देखते हैं, हमें थोड़ा जान, क्योंकि जिक्र किया है आपने उसका। नहीं, हम भी चाहते तो हम भी चाहते हैं, हम भी कर सकते हैं। ये आज इतनी संख्या थी, हम नादारा चौराहे पे चले जाते हैं। अभी हमने इस जगह को क्यों चुना? हमें हमारा वोट बैंक की ताकत का पर भरोसा है साहब। एक मुंह से हम फांगा लोजी कर देंगे, हम ये कर देंगे वो नहीं साहब। हमें ओरिजिनल हमारा जो वोट बैंक जो हमारे साथ है, देख रहे हो आप सब, है 60-60 साल के बुजुर्ग जितने लोग आ जाएं, ये नाथद्वारा की रेड की हड्डी है। हमने इनके लिए कहा है, और आपने कहा राजसमंद के लिए कहा, तो एक तरीके से मैंने ये कहा कि राजसमंद में जो घटना घटित हुई, ऐसे हम भी यहाँ जाते, हम भी वहाँ तोड़फोड़ करते। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय नहीं किया, मेरी बात उस हमारे व्यक्तिगत विरोध सांसद महोदय किया, आपका निर्णय गलत था। ये निर्णय गलत था, उसके बीच में भी मध्य मार्ग तलाशे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार दौड़ रहे हैं। ये शर्तें अगर मान ली जाती है तो फिर राजनीतिक रूप से नादौरा में लक्ष्मण सिंह की भूमिका क्या रहेगी और यहाँ की स्थितियाँ क्या रहेगी? देखते हैं, हो सकता है झालामान ने 8-8 बार शीश दिए, हो सकता है 9वीं बार भी शीश देने का मौका मिले। ये तो लोकतंत्र, यहाँ तो शीश गिनाने पड़ेंगे। गिना दिए गए, आज भी आपने देखा होगा शीश गिनाए हैं और कल भी गिना देंगे, लेकिन पहले हमारी आलाकमान हमारी शर्त मानेगा तो बात करेंगे। बाकी हमारा घर, हमारे घर में राजी है, हमारा वोट है, हम कमल को दे देंगे, बात खत्म हुई। आप दोनों इतना प्रभाव रखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अगर तो खिलाफ खड़े रहे हैं तो उसको एक नुकसान की स्थिति रहेगी? ये एक मिनट, ये आप जितने कार्यकर्ता हैं, ये सवाल उनके लिए, ये मेरे लिए नहीं है। आप लगातार एक नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि नादौरा में लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मुखर होकर बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, बैठक के माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, नाराजगी भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना डरना चाहिए? सवाल में आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस दिन प्रदेश भर में अलग अलग जगह से आक्रोश दिखाई दे रहा है, चित्तौड़ में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है, नादौरा तक वो नाराजगी आ रही है, तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे होगा ये चीज़ें? सर, ये आलाकमान का काम है। आप यहाँ स्थानीय किसी से बात नहीं करेंगे? कुल मिलाकर स्थानीय किससे बात करेंगे? आपने कहा कि मैं राजसमंद के किसी नेतृत्व से बात नहीं करूँगा। यहाँ से कोई अगर आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, यहाँ राजसमंद की कार्यकारिणी से कोई आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, देखिए संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। देखिए, आपने कहा राजसमंद से, हमारे पास वीरेंद्र सिंह जी प्रभारी है, उनका कॉल आया है, बड़े सज्जन आदमी है, आज सुबह उनका कॉल आया था, मैंने अपनी शर्तें ये रख दी है, ठीक है, अगर मानना नहीं मानना ये उनका काम है। उन्होंने मुझे यही पूछा, एक भाई के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको क्या कहना है? मैंने उनको साफ शब्दों में कहा कि हमारी शर्तें ये है, तीनों पंचायत समितियों में इनकी जयचंदों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इनका नाथद्वारा नगर है या इनका जो पंचायत समिति जो पंचायत है वहाँ ये राजनीति करें, हर मंच पे आकर के फालतू की नेतागिरी नहीं करें, दूसरा बाहरी कोई नहीं आए, तीसरा प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे बात करें या अरुण सिंह जी हमसे बात करें, हमारी शर्त ये है कि दोनों भाइयों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिले जो कार्यकर्ताओं की मांग है, ठीक है, दूसरा तीनों पंचायत समिति में दखल अंदाजी नहीं हो, अगर हमारी ये शर्तें नहीं मानी जाती है तो ठीक है, ये घोड़े ये चौगान लड़ो। भाजपा के जो प्रत्याशी है विश्वरासी है मेवाड़, उनका कोई फ़ोन आया, उनसे कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं किसी की कॉल नहीं उठा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, अगर किसी के आए भी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास माननीय मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के जो ओरिजिनल समझ रहे हो आप, ओरिजिनल मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के जो केंद्रीय अध्यक्ष BS कानावा साहब, वो बराबर मेरे से संपर्क में है, और वो कहीं ना कहीं मैं उनको आदर्श मानता हूँ अपना, वो संपर्क में है, तो उनसे मेरी ज़रूर बात हुई है, ठीक है। और रही बात फ़ोन आना नहीं आना, सब झंडे गरज जाएगा वो आएगा। आप नहीं जाओगा? मैं तो कह रहा हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना हुई, और बोलो आप नहीं चुनाव तो आपने निर्दलीय की तो घोषणा कर दी थी आपके, भाई अगर नहीं वेला तो मैं लड़ूंगा। सर, तो नहीं माने, दोनों में से एक डिसाइड करेंगे ना साहब, ये भी एक कन्फ्यूजन है, दोनों में से कौन लड़ेगा? ये हमारे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे यार, कौन कर लड़ेगा, ये लक्ष्मण सिंह झाला लड़ेगा। योगेंद्र सिंह जी एक सांसद और दो शेर में से एक विधायक एक सांसद, ये लो अलग-अलग सीट दी जाएगी, एक सांसद की एक MLA की। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनना, ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, आप समझ रहे हो, हम दोनों भाइयों में हम डिसाइड करेंगे। कार्यकर्ताओं की संख्या आज कुछ कम नहीं लग रही आपको? यार, हर गांव से हर पंचायत से हमने 20 कार्यकर्ता मंगवाए, ठीक है, सब कार्यकर्ता यहाँ पूछे, आपको नहीं लगा कार्यकर्ताओं की संख्या आपको कम लग रही है? नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ। मुझे कोई कम नहीं है, जो हमने टारगेट दिया था उस टारगेट के सब सारे कार्यकर्ता आगे सारे आगे। अब एक आखिरी सवाल, आप एक बात यहाँ खड़े हैं भैया, खड़े करे कौन कौन से पंचायत से हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, 20-25-30 करता है, बाकी सारे करता है उधर है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये अलग अलग गांवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब एक ही गांव से नहीं लाए हुए? बोर्ड की चोट भरी होती है। लक्ष्मण सिंह जी कितना इस चोट को देने वाले हैं? ना, भारतीय जनता पार्टी कट्टर सिपाही है सर। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी का इतना प्रभाव है कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा? मोदी जी के खिलाफ बोलने से नारा है, मोदी जी आपसे मैं कोई वेर नहीं है,
ठीक है, बस समझ गया आगे की बात। इससे बड़ी बात क्या बोले, क्या बोले मोदी तेरे से बेर नहीं दिया तेरी खैर ने। एक आखिरी सवाल, ये नारे से ही निकल के आ रहा है, पिछली बार 2018 में एक नारा चला था कि मोदी तुझसे बेर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इस चक्कर में सरकार चली गई थी। आप वसुंधरा जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, कहीं कहीं लोग ये इशारा भी करते हैं कि हो सकता है उनके इशारों पर ये तमाम चीज़ें हो रही हो, तो कहीं ऐसा नहीं ये नारे वापस एक बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के सपने को तोड़ दे। देखिए वसुंधरा राजे जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मोदी जी हमारे आदर्श हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों इशारे करेगी? हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, आप उनको घसीट रहे हो। हक मांगना, हक मांगना कोई गुनाह थोड़ी है साहब, बिना मांगे तो माँ भी नहीं परोसती है। हमने हमारा हक मांगा है, मिलेगा हक, देखते हैं। दो दिन का समय नहीं मिला तो हमारा घर हमसे थोड़ी निकालेगा हमें। तो देखा आपने, बड़ी तल्ख तेवर वापस आखिर में आते आते दिखाई दिए, कहा कि हम तो हमारा हक मांग रहे हैं और हमें हमारा हक मांगने का पूरा अधिकार है। और दो तीन जो पॉइंट मुख्य रूप से निकल कर आया है, इनका कहना है कि हमें हमारी पंचायत समितियों में, हमें हमारे क्षेत्र में सर्वाधिकार दिए जाए, जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहे हैं उनको थोड़ा दूर किया जाए, और साथ ही प्रदेश के जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ से लोग आए और हमसे बात करें, हम स्थानीय नेतृत्व से बात नहीं करेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, इस बीच में कितनी बातें होती है, कितनी बातें बनती है, और या फिर कितनी बातें बिगड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।